महात्मा गांधी की 150वीं एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के 115वीं जयंती के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 अक्टूबर यानी कि बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में स्थित संवाद भवन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह एवं मुख्य अतिथि हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, प्रतिकुलपति हरिशरण सहित विश्वविद्यालय के अध्यापक गणों ने मां सरस्वती की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, प्रतिकुलपति हरिशरण सहित विश्वविद्यालय के आचार्य एवं प्राचार्यों ने पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, प्रतिकुलपति हरिशरण सिंह सहित विश्वविद्यालय के आचार्य एवं प्राचार्य सहित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण ने कहा, विश्वविद्यालय के मुखिया कुलपति करना पड़ेगा।
अक्टूबर के उन्हीं तिथि को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक 73 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के उपदेशों का अनुसरण करने का व्रत लिया जाएगा। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वह यद्यपि गांधी जी और माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अच्छी तरह से जानती है, लेकिन उनका स्मरण करके उनके दिए गए जो आशीर्वचन थे, उनके दिए गए जो उपदेश थे, उनके बताए हुए रास्ते पे हम आगे अग्रसर होंगे और राष्ट्र को उन्नतिशील बनाएंगे। इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वह भी अपने उद्बोधन से युवा पीढ़ी को प्रेरित करेंगे और हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक छात्र कर्मचारी एक सामूहिक रूप से अपना उनको नमन करेंगे और राष्ट्रपिता के रूप में उनका भी उनका योगदान न किसी भारत में रहा है बल्कि पूरे विश्व में रहा है और आज भी वह उतने ही प्रासंगिक हैं, जबकि आज के हमारे इस समय में वैश्विक स्तर पर भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ी है और हम आज़ादी के इतने सालों के बाद आज हम विश्व में एक प्रतिष्ठित देश के रूप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के देश वाले माने जाते हैं। हम इस दिशा में नई पीढ़ी को अग्रसर करेंगे और विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी छात्र अधिकारी हमारे फैकल्टी सब मिलकर के प्रण देंगे, गांधी जी के बताए हुए आदर्शों पर हम चलेंगे और राष्ट्र का नया निर्माण करेंगे।